नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 दिसंबर 2018। स्वागत है आपका प्लीम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारी डिस्कशन है प्लीम बूस्टर की, अब डेली दिन में होगी 12 बजे के आसपास। आज तो खैर हम लेट हो गए क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अदरवाइज़ कल से 12 बजे के आसपास वीडियो पब्लिश होगी प्लीम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन की। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल नेशनल मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन काउंसिल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में WHO ग्लोबल फोरम ऑन मेडिकल डिवाइसेस की चौथी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में। वहाँ पर मेडटेक जोन, ये देखो एक स्पेशल पार्क है जिसे इस्टाब्लिश करवा गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। इस स्पेशल पार्क में स्पेशल फैसिलिटीज दी गई हैं उन कंपनीज को, उन फर्म्स को जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से डील करती हैं। इस मीटिंग में ये घोषणा की गई, हमारे देश में मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक स्पेशल काउंसिल इस्टाब्लिश की जाएगी, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन काउंसिल। इस काउंसिल को इस्टाब्लिश किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत। इस काउंसिल के हेड होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सेक्रेटरी। देखो मेडिकल डिवाइसेस की जो इंडस्ट्री है वो एक सनराइज इंडस्ट्री है। ये सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे देखो सूर्य उदय होता है, उसके बाद पीक पे आता है, उसके बाद सूर्य अस्त होना स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इंडस्ट्रीज की लाइफलाइन होती है। कुछ इंडस्ट्रीज राइज होती हैं, पीक पे आती हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, ये जो इंडस्ट्री हैं ये अब डाउन जा रही हैं, इनका सनसेट हो रहा है, ये सनसेट इंडस्ट्रीज हैं। ये पीक पर थी 80s में, 90s में, 2000s में, लेकिन अब सोलर एनर्जी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो राइज हो रही है। उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइसेस की जो इंडस्ट्री है वो अभी पीक पे जा रही है, यानी राइज हो रही है सन की तरह, इसीलिए सनराइज इंडस्ट्री है मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री। और देखो अगर हमारे देश के लोगों के लिए बेटर हेल्थ इंश्योर करनी है तो मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है और MSME, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस एक अहम भूमिका निभा सकती हैं इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने में। और इसी दिशा में गवर्नमेंट एक काउंसिल इस्टाब्लिश करेगी, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन काउंसिल। इस काउंसिल में गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो अथॉरिटीज़ जो हेल्थ केयर को रेगुलेट करती हैं वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे इस काउंसिल में, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन काउंसिल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इको निवास संहिता 2018 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इको निवास संहिता 2018 को लॉन्च किया गया है। ये एक प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए हमारे घर का डिजाइन इस प्रकार से हो कि हमारे घर के अंदर टेम्परेचर मॉडरेट रहे, तो इस सिचुएशन में हमें AC की आवश्यकता नहीं होगी, कूलर की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत सारी एनर्जी हम सेव कर सकेंगे। मान लीजिए हमारे घर का डिजाइन इस प्रकार से हो, रोशनी इनफ हो हमारे घर में और ज़्यादा ट्यूबलाइट्स की आवश्यकता ना पड़े दिन के समय, तो बहुत सारी एनर्जी हम सेव कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमें फाइनेंशियली फ़ायदा होगा बल्कि इन्वायरमेंट को बहुत सारा फायदा होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इको निवास संहिता 2018 यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स लॉन्च किया गया है। अगर देखो घरों के डिज़ाइन में और कंस्ट्रक्शन में, अपार्टमेंट्स और टाउनशिप्स के डिज़ाइन में और कंस्ट्रक्शन में इस बिल्डिंग कोड को अगर फॉलो किया जाता है तो बहुत सारी एनर्जी सेव होगी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में ये एक अच्छा कदम होगा। आगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे इस कोड को बनाया गया है काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करने के बाद, बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए ये कोड बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा, इतनी एनर्जी बचाई जा सकती है अगर इस कोड को फॉलो किया जाए, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, इको निवास संहिता 2018 को लॉन्च किया गया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के मौके पर। हर साल 14 दिसंबर का जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के फॉर्म में इस साल 26 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अवार्ड्स दिए गए वेरियस सेक्टर्स से। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में, इसलिए 26 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि विभिन्न सेक्टर्स से आती हैं उनको अवार्ड्स दिए गए। हम बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। काम क्या है इस बॉडी का? काम देखो ये है, हमारे देश में एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना। ऑब्जेक्टिव्स हैं एनर्जी डिमांड को ऑप्टिमाइज करके हमारे देश में एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम हो ये इंश्योर करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोका जा सके। वैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हमने कमिटमेंट किया है 2030 से पहले पहले हमारे देश में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 33-35% तक कम करेंगे, जो हमारे देश में लेवल था ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 2005 में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इको निवास संहिता 2018 के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है अमिताभ घोष को। देखो ये पहली बार है कि किसी इंग्लिश के राइटर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, यानी लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला ये इंडिया का हाईएस्ट सम्मान है। सबसे पहली बार इस अवार्ड को दिया गया था मलयालम राइटर जी शंकर कुरूप को 1965 में। इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा, जिसे इस्टाब्लिश किया गया था साहू शांति प्रसाद जैन फैमिली के द्वारा, जिनके पास मालिकाना हक है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ग्रुप का। हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस अवार्ड को किसी इंग्लिश राइटर को नहीं दिया गया था। ये पहली बार है कि इंग्लिश राइटर अमिताभ घोष को ये अवार्ड दिया गया है। 1982 से पहले किसी राइटर को सिंगल वर्क के लिए ये अवार्ड दिया जाता था। मान लीजिए कोई ABC राइटर है, उसने XYZ बुक लिखी, उस स्पेसिफिक बुक के लिए ये अवार्ड दिया जाता था 1982 से पहले। लेकिन 1982 के बाद ये अवार्ड दिया जाता है किसी लेखक को उसके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी उस लेखक ने जिंदगी भर लेखक ने लिटरेचर के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है उस कंट्रीब्यूशन के लिए अब ये अवार्ड दिया जाता है। देखो ज्ञानपीठ का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है नॉलेज और पीठ का मतलब है सीट, यानी ज्ञानपीठ का मतलब है नॉलेज सीट। कितने पैसे दिए जाते हैं, क्या क्या दिया जाता है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगर UPSC यूं पूछे क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तो आंसर गलत हो जाएगा। किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया पोस्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, इस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखो गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं। गाँव में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं, बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेनर्स गांव में काम करती हैं, बहुत सारे आर्टिसंस भी होते हैं, यानी कारीगर, वो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। लेकिन इन सब एंटिटीज़ के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को एक बेहतर मार्केट नहीं मिल पाती, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वेबसाइट का ज़माना है। तो इस वजह से ये लोग अपनी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते और इनको इनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पाता। लेकिन अब इंडिया पोस्ट के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे देखो अमेजोन वेबसाइट पे विभिन्न सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उसी प्रकार से गांव में जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रूरल कारीगर हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे इस इंडिया पोस्ट के ई कॉमर्स पोर्टल की सहायता से। तो गांव में रहने वाले एंटरप्रेनर्स को फायदा मिलेगा इंडिया पोस्ट के नेटवर्क का।
तो ये न्यूज है इंडिया पोस्ट के द्वारा ये ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। दो और छोटी छोटी न्यूज है इंडिया पोस्ट से संबंधित। पिछले साल देखो एक स्कीम लॉन्च की गई थी सेकुलर स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दीनदयाल स्पर्श। इस स्कीम में क्या है, वो बच्चे स्कूल के जिनकी हॉबी है स्टैम्प्स को इकट्ठा करना, उन बच्चों में से एक निश्चित क्रिटेरियाज के आधार पर कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो अगर यूपीएससी पूछे दीनदयाल स्पर्श जो है वो क्या योजना है, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की उन बच्चों के लिए जिनकी हॉबी है स्टैम्प्स को इकट्ठा करना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ही संबंधित एक छोटी सी न्यूज है मेघदूत अवार्ड के बारे में। मेघदूत अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया ग्रामीण डाक सेवक्स को और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉइज को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर यूपीएससी पूछे मेघदूत अवार्ड किससे संबंधित है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से संबंधित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑक्सीटोसिन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, कंटेस्ट देखो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं ऑक्सीटोसिन से संबंधित गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में क्या ऑर्डर पास किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। 1 जुलाई 2018 से सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका नाम है कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड, सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर कंपनी ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगी। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी और ना ही किसी के द्वारा हमारे देश में ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के फॉर्मुलेशंस को इंपोर्ट किया जा सकेगा बाहर से। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को केमिस्ट के द्वारा यानी मेडिकल वालों के द्वारा बेचा भी नहीं जा सकेगा। हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ह्यूमन बींग्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है यानी रिलीज किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिप्रोडक्शन में, बच्चे के जन्म के दौरान और लैक्टेशन यानी मदर्स के द्वारा बच्चों को जो दूध पिलाने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें भी रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ह्यूमन बींग्स में सोशल इंटरेक्शन जो होती है वहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल होता है। इसके अलावा इस हार्मोन के काफ़ी फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, प्रभाव होते हैं सोशल बिहेवियर पर और इमोशंस पर भी। ह्यूमन बींग्स के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ताकि जो नॉर्मल लेबर है यानी प्रसव डिलीवरी को एक्सेलेट करने के लिए मिसयूज़ किया जाता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में पशुओं की मेमरी जो ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले एनिमल से, ये इंश्योर करने के लिए। तो इस हार्मोन के अब्यूज़ के कारण, इस ऑक्सीटोसिन ड्रग्स के अब्यूज़ के कारण एनिमल्स की जो लाइफ है वो काफ़ी छोटी हो जाती है और ज़्यादा यूज़ करने से जो एनिमल्स हैं वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं। इसी वजह से सरकार ने रोक लगाई है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग पर। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया सरकार का क्या ऑर्डर आया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। अभी फिलहाल देखो ये हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार का जो बैन था ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग पर, उस बैन को हटा लिया है, यानी सरकार के फैसले को पलट दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। एक बार फिर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी, ऐसा आदेश आया है दिल्ली हाईकोर्ट का। ये अभी फिलहाल कंटेस्ट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, अब आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। नासा का आइस सेट टू मिशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आइस सेट टू मिशन, चार ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं, किस लिए है ये मिशन। पहला ऑप्शन, मार्स पर बर्फ की प्रजेंस का पता लगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन, किस गति से पैसिफिक ओशन में पानी का जो लेवल है बढ़ रहा है ये पता लगाने के लिए। तीसरा ऑप्शन, हिमालयस में बर्फ पिघलने का रीजन जानने के लिए नासा का ये मिशन है आइस सेट टू। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये मिशन है अंटार्कटिक में और ग्रीनलैंड में आइस शीट्स
जो मेल्ट हो रही हैं उनकी मैपिंग के लिए। तो इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, डी सही आंसर है, नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए पार्टनर्स फोरम के बारे में है। पार्टनर्स फोरम को हमने डिस्कस किया था। दो ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं पार्टनर्स फोरम के बारे में। पहला क्वेश्चन, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, पूरे वर्ल्ड में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं इनको कम करने की दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएं, ये इंश्योर करने के लिए ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है पार्टनर फोरम। दूसरा ऑप्शन, रिसेंटली पार्टनर फोरम का एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ, चौथा समिट इंडिया में। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। दिल्ली में हाल ही में चौथा समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब इंडिकेटर्स को कम करने की दिशा में जो प्रयास लगाए जा रहे हैं उन प्रयासों को एक्सेलेरेट किया जाए, उस उद्देश्य से ये पार्टनर फोरम इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से अगर हम देखें आज हमने क्या क्या इस्टेब्लिश किया, हमने नेशनल मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन काउंसिल को डिस्कस किया, ऑक्सीटोसिन को हमने डिस्कस किया, हमने इको निवास संहिता 2018 के बारे में डिस्कस किया, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में डिस्कस किया, इंडिया पोस्ट से संबंधित कुछ न्यूज़ हमने डिस्कस की। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।